please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. All right, speech. आपके पास CNBC आवाज एक्सक्लूसिव खबर आ रही है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जिन ऑडिटर्स ने इस्तीफा दिया है उनसे जवाब मांगा है. मांगने की बात चल रही है कि ये इस्तीफा क्यों दिया गया है. कई ऑडिटर्स ने निजी कारणों से भी इस्तीफा दिया है, लेकिन बहुत सारे ऑडिटर्स ने एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों में इस्तीफा दिया है और उसके बाद हमने स्टॉक्स पर इम्पैक्ट भी अच्छा खासा आता हुआ देखा है. तो अब MCA एक्शन में आई है, उन्होंने जवाब मांगा है कि ऑडिटर्स ने ये जो इस्तीफा दिया है वो क्यों दिया है. CNBC आवाज एक्सक्लूसिव है, ये हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है. 32 ऑडिटर्स ने पिछले कुछ दिनों में इस्तीफा दिया है. ये ऐसा शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी इतने सारे ऑडिटर्स ने एक के बाद एक इस्तीफा दिया है. ये सबकॉर्स यहाँ पे कुछ जायज़ ज़रूर होंगे और कुछ लोगों ने अपनी बात कुछ ऑडिटर्स ने अपनी बात MCA को तक पहुँचा भी दी कि इस रीज़न से हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन देर आर मैनी अदर्स जिन्होंने ये बात नहीं बताई है और सिर्फ इस्तीफा दिया है. तो अब उनसे जवाब भी मांगा जाएगा. हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए ये जो खबर लेकर आए हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ रहे हैं. असीम, क्या डिटेल्स हैं, क्यों MCA ने यह कदम उठाया है और कब तक ऑडिटर्स को वक्त दिया जाएगा जवाब देने का, क्या कुछ ये सारी बातें हमारे सामने साफ हैं? देखिए, अभी तक 32 ऑडिटर जो है लिस्टेड कंपनियों से इस्तीफा जो है दे चुके हैं. ये डाटा जो है जनवरी से लेकर के मई तक के बीच का है. तो उसके ऊपर जो है कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय जवाब मांगने की तैयारी जो है वो कर रहा है. उनसे पूछताछ करेगा कि आपने इस्तीफा जो है वो क्यों दिया है. कई ऑडिटर्स का दावा कि उनको निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है. कईयों की हेल्थ ठीक नहीं है, किसी का कहना है कि उनका कोई और पर्सनल कमिटमेंट है तो उसकी वजह से उसको इस्तीफा जो है वो देना पड़ा है. लेकिन कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय जानना चाहता है कि क्या यही वजह रही या कोई और दूसरी वजह भी है जिनकी वजह से उनको इस्तीफा जो है वो देना पड़ा है. क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब ऑडिटर इस्तीफा देते हैं तो बाकियों को लगता है कि जो कंपनी है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ उसके अंदर सही नहीं है. एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ऑडिटर्स हैं उनको कहीं अपने ऊपर बैन लगने का डर जो है वो भी सता रहा हो. सप्तम केस में हमने ये देखा था कि जो ऑडिटर्स हैं उनके ऊपर बैन जो है वो लगा दिया गया था सेबी की तरफ से. अब ये देखना होगा कि जिस तरह से ऑडिटर्स इस्तीफा दे रहे हैं उसको देखते हुए जो कपड़ा फेयर मंत्रालय इनसे जवाब मांगा कि आप बताइए आपने किस वजह से इस्तीफा जो है वो दिया है. और ये जवाब मांगने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है. धीरे धीरे सभी कंपनियों से जवाब मांगा जाए, कंपनियों के ऑडिटर से जवाब मांगा जाएगा. ऑल राइट असीम, थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स के लिए. तो ये एक बड़ी खबर MCA एक्शन में आ गई है. जैसा कि असीम आपको बता रहे थे, जनवरी से लेकर मई तक 32 ऑडिटर्स ने इस्तीफा दिया है और अगर इस्तीफा का कारण साफ नहीं होता है तो स्टॉक पर अच्छी खासी मार पड़ती है. हमने कई बार ये देखा, जिस दिन ये खबर आई उसके बाद स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं और कई बार तो रिकवरी भी नहीं हो पाई है. अब आप देख सकते हैं हम आपके सामने वो लिस्ट भी लेकर आ रहे हैं. वक्रंगी, मनपसंद, अटलांटा ऑडिटर्स का इस्तीफा आ चुका है और अब MCA या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्शन में आया है. उन्होंने ये जानना चाहते हैं कि ये जो ऑडिटर्स ने इस्तीफा दिया है वो क्यों दिया है. ऑडिटर्स से जवाब मांगा जा रहा है. लेकिन चलिए, इसी के साथ समय आपसे हम लेते हैं इजाजत. थैंक यू सो मच हमारे लिए आज समय निकालने के लिए.